हेलो फ्रेंड्स, आपंकर फेवरेट यूट्यूब चैनल सर्सार ट्यूटोरियल स्वागत जनाऊँ। आज आम आलोचना करवा परसेंटेज्र किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलते यार फास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करवा। राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी व्हाइल श्याम सेव्स 22%। ई बोथ गेट द सेम सैलरी एंड श्याम सेव्स 1540। व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम। क्वेश्चन कौन कही प्रथम भल भाव बुझी नि। राम केत टा संचय करुँच 1400 से तार सैलरी 1400 संचय करुच्ची। श्याम तार सैलरी 2200 संचय करुच्ची। जदि दुईज जाक सामान सैलरी पाँचती श्याम 1540 टाँचा से संचय करुच्ची तेबे राम्रो संचय केते बा राम्रो सेविंग आमको बाहर करियार अछि। प्रथमे कौन कहि प्रथमे लिखि दियंतु राम्रो सेविंग दे दैछि आमको 1400। तापरे श्याम्रो सेविंग आमको दे दैछि केते 2200। तापरे किंतु एटी दे दे देखंतु श्याम्रो सेविंग दे दैछि 1540 अर्थात 2200 से सेविंग करुच्ची। शतकड़ देखा जो 2200 किंतु संख्यारे टंकारे हेले 1540 टंका अर्थात 2200 भैल्यू 1540 एक शतकड़ भैल्यू ये आम बाहर करी 1540 विभक्त 22 आमको मागिची राम्रो केते शतकड़ा सेविंग। राम केते शतकड़ा सेविंग करुच्ची 1400 जोड़ा कि 1400 राम्रो सेविंग। तो आमको कहार भैल्यू बाहर करियार अच्छे 1400 भैल्यू बाहर करियार अच्छे 1540 विभक्त 22 गुणन जे 14 एटा को 11 काटंतु 11 दुणे 22 11 के 11 11 चौ 44 शून दुई रे काटिले 2 संतांग 14 40 तो यहाँ 14 एटी 70 है 14 संतांग जी 98 980। तो राम्रो सेविंग के 980 टंका राम सेविंग करुच्चे जोटा कि ऑप्शन बी हो सटिक आंसर। चलतु नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करवा। इन एन एग्जामिनेशन इन व्हिच फुल मार्क वेयर 500 ए गोट 25% मोर देन सी गोट 20% लेस देन डी। इफ ए गोट 360 मार्क्स व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क वाज ऑब्टेन्ड बाय डी। क्वेश्चन टी कौन कही प्रथम भल भाव बुझी नि। गोटे एग्जामिनेशन रे गोटे परीक्षार फुल मार्क होउची 500 हो फुल मार्क ए पाउची सी रो सी ठू 25% अधिक मार्क पाउची। सी पाउची डी अपेक्षा 20% कम मार्क। जदि ए 360 मार्क रखी तेबे डी रो केते शतकड़ा मार्क रखी डी रो परसेंटेज बाहर करूँ। फुल मार्क रु डी केते शतकड़ा पाई से बाहर कर फुल मार्क केते अच्छी। फुल मार्क अच्छी आमर 500 ए केते पाउची ए पाउची 25% मोर अर्थात 125/100 कहार सीरो सी ठू 25% अधिक पाउची किए ए पाउची ताले ए इक्वल टू 125/100 इंटू सी आम लिखिपर किंतु ए रो मार्क आमको दे दीजिए के 360 तेणु ए जगार 360 बसई दिंतु 360 एटा काटतु 25 25 50 125 25 100 तो 5/4 इंटू आम सी पाइले तो 360 एपटे मैंने 4 आउ 5 एपटे आसे राइट लेफ्ट साइड को आसीगले कौन है ओलटी जी 5/4 इक्वाल टू सी यू आम सी रु वैल्यू बाहर कर 5 संतांग 35 5 2 10 तो सी पाई 4 2 8 4 संतांग 28 सी पाइले आम सी रो मार्क पाइले आम 288। जदि सी रो मार्क आम 288 पाइले तो डी रो मार्क बाहरी पार डी रो कंडीशन कौन दे सी गॉट 20% लेस देन डी सी इक्वल टू 20% लेस 100 रु 20 लेस हेले 80/100 इंटु कहार डी रो 20% लेस तो सी रो वैल्यू आमको पाई जाइए 288 इक्वल टू 80/100 इंटु डी तो डी रो वैल्यू पाई जिबा में 288 आसी जिबो 100/80 इक्वल टू डी एटी डी रो वैल्यू हमें पाई परिबा 20 20 84 20 50 100 चारि रे काटिले 4 संतांग 28 4 2 8 तो डी पाई जिबा 5 2 10 0 हाथला 1 5 संतांग 35 1 36 360 डी रो फुल मार्क के 360 तो डी केते परसेंट पाई डी रो परसेंटेज बाहर करी परबा डी पाई 360 विभक्त टोटल मार्क होची 500 गुणन 100 डी रो परसेंटेज बाहरी जीव
पाँच अंतांग पैंतीस पाँच दुणे दस तो बास्तरी परसेंट डी रत डी ऑप्टेंड मार्क हूँ बास्तरी परसेंट जोटा कि ऑप्शन ए हूँ यार सटिक आंसर। चलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करवा। इच साइड ऑफ ए रेक्टांगुलर फील्ड इज डिमिनिश्ड बाय 40% बाय हाउ मच परसेंट इज द एरिया ऑफ द फील्ड डिमिनिश्ड। क्वेश्चन टी कौन कहे प्रथम भल भाव में बुझी नि गोटे आयताकार क्षेत्र आयत क्षेत्र बाहू रे प्रत्येक क्षेत्र में बाहू रे कौन इच साइड प्रत्येक बाहू रे 40% रिड्यूस होती 40% कमी जाइए ताहले तारो एरिया रे केते शतकड़ा कमिबो एथिपाई मुँ आपको शॉर्टकट फॉर्मूला कही यार प्रीवियस वीडियो जो देखी ना पार्ट वन वीडियो जो देखी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया जाइए से आपड़ पार्ट वन वीडियो देखी ने से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी जोटा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हम तो आम कौन डिमिनिश कही डिमिनिश मानते डिक्रीज होती डिक्रीज कले आप कौन करेंगे माइनस माइनस लिखे तो डिक्रीज तो माइनस फोर्टी प्लस -40 × -40 डिवाइडेड बाय 100 माने एटा डिक्रीज माइनस डिक्रीज प्लस डिक्रीज इंटू डिक्रीज हे डिमिनिश हो तो 40 के -80 प्लस दुईटा शून्य काटि दिंतु एटी गोटे शून्य एटी गोटे शून्य चार चौ षोह प्लस रेला तो 80 -80 षोह गले आसव -64 शत बा 64 रिड्यूस एरिया रे 64 कौन रिड्यूस जोटा कि ऑप्शन बी हूँ यार सटिक आंसर। चलो तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करवा। ये माइनस देखि कन्फ्यूज होबार नाही माइनस अर्थात से रिड्यूस कौन कमी जाए 64% कमी जाए। चलो तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा ए फ्रुइड सेलर हेड सम एपल्स ही सेल्स 40% एपल्स एंड स्टिल हेज फॉर 20 एपल्स ओरिजिनली ही हेड। क्वेश्चन टी कौन कहे प्रथम भल भाव में बुझी नि गोटे फ्रुइड सेलर कौन करुच्ची से किसी सेल एपल सेल करते एपल सेल कर 40% एपल सेल कर 40% सेल कलापर भी ताखे 420 एपल बची जाइए ताहले टोटाल एपल ताखे केते अच्छी टोटाल एपल को जदि आम 100% धरवा से सेल कर 40% तो ताकि रिमेनिंग एपल के रिमेनिंग एपल है 60% किंतु परसेंटेज 60% किंतु ताकि रिमेनिंग के 420 तो 60% वैल्यू है 420 रिमेनिंग अर्थात बड़का 420 टी एपल बड़का अच्छी तो 60% वैल्यू जदि आम 420 पाइले 1% वैल्यू है 420 डिवाइडेड बाय 60 तो टोटल एपल के 100% 100% वैल्यू आम बाहर कर 420 बाय 60 × के 100 एटी गोटे शून्य एटी गोटे शून्य काटतु 642 तो टोटल एपल है 700 जोटा कि ऑप्शन डी हूँ यार सटिक आंसर। चलो तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करवा। इफ द टोटल मंथली इनकम ऑफ 16 persons इज 80,800 एंड दि इनकम ऑफ वन ऑफ देम इज 120% ऑफ द एवरेज इनकम देन हिज इनकम इज। क्वेश्चन टी कौन कही प्रथम भल भाव में बुझी नि जदि 16 जनकर टोटाल इनकम हो 80,800 हो 16 जनकर टोटाल इनकम जदि से भितर जनकर इनकम हो समस्त एवरेज इनकम 120% तेबे से ही जनकर इनकम जार इनकम 120% अधिक अच्छी एवरेज इनकम टू तबे से ही जनकर से ही लोकटीर आमको इनकम बाहर करार अच्छे। चलतु प्रथम कौन दे दीची 16 जनकर इनकम दे दीची के 80,800 तो 16 जनकर एवरेज इनकम आम बाहर करवरेज इनकम मान डिवाइडेड बाय 16 करवा डिवाइडेड बाय 16 कले एवरेज इनकम आसीज 16 × 16 = 80 मान 5050 टाँचा आसीगला के जनकर इनकम यहाँ 16 जनकर एवरेज इनकम है से ही जन को धरी आम ए धरवा जार इनकम कि 120% अधिका अच्छी एवरेज इनकम रु जदि आम ए रनकम को बाहर कर ए रनकम दे 120% अफ के 120/100 × एवरेज इनकम के 50 50 5000
50। तो शून काटि दिंतु एटी गोटे शून एटी गोटे शून कटिला बार पंचांग षाठी बार पंचांग षाठी जोड़ा कि 6060 होउछि यार सटिक आंसर जोड़ा कि ऑप्शन बी होउछि यार सटिक आंसर। चलंतु नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करबा। दि रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 व्हेन दि फर्स्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड दि सेकेंड इज डिक्रीज्ड बाय 20% देन दि रेशियो ऑफ दि रिजल्टिंग नंबर इज। क्वेश्चन कौन कहे प्रथम भल भाव में बुझी नि दुईटा संख्यार अनुपात दे दी 4:5 प्रथम संख्या 20 शतकड़ा बढ़ी जाउची एवं सेकेंड संख्याटी 4 शतकड़ा कमी जाउची तेबे तेबे तांकर रेशियो केते हबो तो रेशियो रे केते परिवर्तन घटुची बा बढ़ी गला गोटे संख्या बढ़ी 20% एवं गोटे संख्या कमी 20% तो तापरे तांकर रेशियो केते हबो। प्रथम आम देखीद दुईटा संख्या को धरदे गोटे हूँ ए आउ गोटे हूँ बी केते रेशियो दे 5 देछि फर्स्ट रेशियोटा 4 देछि फर्स्ट रेशियो होउछि 4 सेकंड और सेकंड संख्यार रेशियो दे देछि 5 4:5 देछि एटा केते बढ़ी जाउछि 20% बढ़ी जाउछि 20% बढ़िबो माने 120/100 तो एटा हि जेबो 20 × 100 तो 6×24/5 आसिला हम पाखरे एरो ए होगला 24/5 बी केते कमी जाउची बी कमी जाउची 20 शतकड़ा कमी जाउची 20 शतकड़ा कमी बो माने 80/100 20×84 × 100 ये 4×20/5 आसी 5 हैला तो हमरे परिवर्तित संख्या पाई गले ए केते 24/5 ये होची 20/5 एबे ए इज ए आउ बी रो रेशियो हमकु बाहर करियर छै ए होची केते 24/5 बी केते होची 20/5 विभक्त 20/5 जदि हो सेटा ओलटी गले कोन हेजबो 5/20 हेजबो 5/5 कटि गला 4 रे काटंतु 424 4×20 तो रे पाई गले ए मानकर 6/5 तो ए मानको अनुपात रे गले 6:5 6:5 जोटा कि ऑप्शन डी होची यार सटिक आंसर। चलंतु नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करबा। इफ ए पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड 20% ऑन हाउस रेंट 70% ऑफ द रिमेनिंग चिल्ड्रेन्स एजुकेशन देन दि परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट इज। क्वेश्चन टी कौन कही प्रथम भल भाव में बुझी नि जड़े लोक से तार इनकम रो 40% खाद्य रे खर्च करुच्ची खाद्यपाई खर्च करुच्ची एवं 20% से हाउस रेंट रे घर भड़ापाई खर्च करुच्ची आउ जेतकी बचिला तहार 70% से चिल्ड्रेन्स एजुकेशन बा पिला मानंकर शिक्षा रे से खर्च करुच्ची तेबे तांको पाखरे आउ केते शतकड़ार इनकम बचिला बा सेविंग केते हला इनकम लेट रो अर्थात सेविंग से केते टंकार सेविंग करुच्ची प्रथमे तार सैलरी को आम 100% बा 100 धरि दउचे से फूड रे केते परसेंट खर्च करुच्ची फूड रे 40% को खर्च करुच्ची 40% अर्थात फूड पई से 40% खर्च करुच्ची 40% भी धरि पारंथि बे 40 यूनिट एवं हाउस रेंट पई एचआर हाउस रेंट पई से खर्च करुच्ची 20% अर्थात 20 से खर्च करुच्ची तो टोटल एक्सपेंडिचर केते हिजबो टोटल एक्सपेंडिचर हला 60 यूनिट बा 60 शतकड़ा से खर्च करुच्ची 60 शतकड़ा जदि खर्च करुच्ची ता पाखरे से चिल्ड्रेन्स एजुकेशन पई केते टंका अछि चिल्ड्रेन्स एजुकेशन से 60 शतकड़ा खर्च करुच्ची तापरे रिमेनिंग अमाउंट केते अछि 100 रु आमे जदि 60 वियोग करबा रिमेनिंग अमाउंट हला 40 यूनिट से सेविंग करुच्ची ए 40 यूनिट पाखरे रिमेनिंग अछि ए रिमेनिंग रो से 70% से कोन करुच्ची चिल्ड्रेन्स एजुकेशन रे 70% चिल्ड्रेन्स एजुकेशन 40% हेले 40% 2टा शून्य काटि दियंतु से 28% होउची चिल्ड्रेन्स एजुकेशन रे से खर्च करुच्ची ताले तांको पाखरे सेविंग केते हबो सेविंग आसीजीवो प्रथमे टोटल एक्सपेंडिचर केते 60 प्रथमे खर्च करथिला तापरे खर्च करिछि से केते 28 खर्च करिछि एटा टोटल एक्सपेंडिचर एटा को जदी आमे 100 रु माइनस करबा ताले हमर सेविंग भारी जीवो 100 माइनस ए हेला 88 हेला टोटल एक्सपेंडिचर एटा होची टोटल एक्सपेंडिचर तो आम पाखरे आउ बचिबो केते 12 शतकड़ा से सेविंग करुछि जोटा कि ऑप्शन डी होउछि यार सटिक आंसर। चलंतु नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करबा। 31% ऑफ एम्प्लॉई पे टैक्स इन द ईयर 2008 नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉई आर
20,700 दि टोटाल नंबर अफ एम्प्लयिज क्वेश्चन टी कौन कही प्रथम भल भाव में बुझी नि 2008 मसीह टोटाल एम्प्लयी मान भितर 31% से 31% टैक्स दौंती टैक्स दौन लोकों संख्या हूँ एम्प्लयी संख्या हूँ 20,700 तेज टोटाल एम्प्लयी आमको बाहर कर तो टोटाल एम्प्लयी को जदि आम 100% दबा आउ टैक्स पेयर बा टैक्स पेई मानकर संख्या केते देछि 31% देछि तो नॉन टैक्स वाला संख्या केते आसीबो नॉन टैक्स रो संख्या आसीजिबो नॉन टैक्स मानकर संख्या आसीजिबो केते 69% हला नॉन टैक्स नॉन तो और संख्या रे केते देछि 20,700 नॉन टैक्स पेयर वाला 69% रो वैल्यू हला 20,700 तो हमकु 1% रो वैल्यू एटु बाहर करियार अछि 20,700 विभक्त 69 तो आम ओरिजिनली टोटल एम्प्लॉई मान मांगी टोटल एम्प्लॉई होची 100% तो ये 100 गुण कर देबा 69 3 जे 207 ये आसीगला 3 तो बचला 300 तो टोटल एम्प्लॉई संख्या आसीगला के 30,000 हेले टोटल एम्प्लॉई जोटा कि ऑप्शन सी होची यार सटिक आंसर चलो तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करवा भुवनेश स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 3% इन चैरिटेबल ट्रस्ट ही स्पेंड्स 2,310 ऑन दीज टू आइटम्स देन टोटल इज टोटल सैलरी फॉर दैट मंथ इज क्वेश्चन कौन कह प्रथम भल भाव बुझ नि भुवनेश कौन करुच्ची से 30% से खाद्य खर्च करुच्ची तार सैलरी 30% से खाद्यपाई खर्च करुच्ची एवं 3% से चैरिटेबल ट्रस्ट को से डोनेट करुच्ची जदि यही दुटा एक्सपेंडिचर को मिसा जाए ताले टोटल हो जाए 2,310 तेबे तांकर टोटल सैलरी केते आमको बाहर कर टोटल सैलरी को आम जदि 100% धरिबा से टोटल खर्च करुच्ची केते 30% फूड पई खर्च करुच्ची प्लस 3% पुणी कौथि पई खर्च करुच्ची चैरिटेबल ट्रस्ट से डोनेट करुच्ची तो टोटल एक्सपेंडिचर हैला तारो केते 33% ए 33% रो वैल्यू आमको दे देछि 2310 तो 1% रो वैल्यू आम बाहर कर 2310 डिवाइडेड बाय 33 आमको टोटल सैलरी कही टोटल सैलरी होची 100% माने ये 100 मल्टीप्लाई हो 11 काटतु 11 3 33 11 2 22 11 210 बचला 3 काटिले 3 7 21 70 तो टोटल सैलरी है 7,000 जोटा कि ऑप्शन डी होची यार सटिंग आंसर